अपनी डिविजन लगाओ। माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो। किसकी माफी है? वो कांग्रेस की कमी है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी का निषेध सो, निषेध सो, निषेध सो। राहुल गांधी का निषेध सो, निषेध सो, निषेध सो। माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी। भाजयुमो में मुंबई का राहुल गांधी के विरुद्ध प्रतिकार मोर्चा। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की भूमि पर राहुल गांधी द्वारा स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए दिए गए अपमानजनक वक्तव्य के विरुद्ध भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के युवाओं ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय तिलक भवन पर प्रतिकार मोर्चा निकाल कर तीव्र विरोध दर्ज किया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तिलक भवन कांग्रेस कार्यालय पर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान इस नारे के साथ कूच किया। उन्हें तिलक भवन कांग्रेस कार्यालय से चंद मीटर की दूरी पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन की जानकारी मिलते ही पुलिस बल के जवानों ने कांग्रेस भवन कार्यालय पर नाकाबंदी कर दी थी ताकि भाजयुमो कार्यकर्ता तीव्रता से कांग्रेस कार्यालय के अंदर ना पहुँच सके। इस आंदोलन में सैकड़ों युवाओं ने आक्रोश प्रदर्शित करते हुए कहा है कि जिन सावरकर जी पर हमारे प्रेरणा स्रोत बाला साहेब ठाकरे गर्व करते थे, आज उन्हीं सावरकर जी का अपमान करने वाले राहुल गांधी जी से आदित्य ठाकरे गले मिल रहे हैं। देखिए, जो राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है उसका भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई तीव्र निषेध करता है। यह टिप्पणी ये महान क्रांतिकारियों की, ये मराठी अस्मिता की, ये सच्चे देशभक्तों पर एक तरीके का हल्ला है। ये सभी देशवासियों का अपमान है जिसके नसों में भारतीय रक्त दौड़ता है। ऐसा व्यक्ति कभी ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन जिसके नसों में इटली का मिक्स गोरा रंग वाला खून दौड़ता है, वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में वीर सावरकर जी के बलिदान को समझ नहीं सकता। शेम, शेम, शेम। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का, जो अपने आप को वारसदार समझने वाली जो पक्ष, जो पार्टी है, उसके नेता आदित्य ठाकरे जब मराठी अस्मिता पे हल्ला होता है तो मौन व्रत धारण करके घर पर क्यों बैठे हैं? ये हम युवाओं का सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी दिखा रसो। राहुल गांधी अपने पीआर स्टंट के माध्यम से रोज इतने किलोमीटर चल रहे हैं तो मेरा मानना है वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। जब तक राहुल गांधी महाराष्ट्र की जनता से, देश की जनता से माफी नहीं मांगेंगे, हम युवा वर्ग जहां पर भी उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पर जाकर उस यात्रा को रोकने का काम ये हम सब युवा करेंगे। तो अभी महाराष्ट्र में चल रही है, कैसे रोकेंगे आप उसे? हम सभी कार्यकर्ता चाहे मुंबई से, चाहे महाराष्ट्र के कोई भी कोने से, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के और महाराष्ट्र के कार्यकर्ता आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में स्वयं कल जाकर जहां पर भारत जोड़ो यात्रा है वहां पर उन्हें रोकने का काम ये हम युवा कार्यकर्ता करेंगे। राहुल गांधी की ट्यूशन लगाओ।